Hello, we are developing this content exclusively for IDEA program of UNICEF. My name is Anchal from Sarvodaya Vidyalaya, Jaitev Park, New Delhi. मम्मी देखो मैंने स्पोर्ट्स डे के लिए एक नई शर्ट ली। आपको पता है इसका कभी जरूरत नहीं आती। ओ, क्योंकि यह शर्ट पॉलिएस्टर की बनी है। पॉलिएस्टर क्या होता है मम्मी? यह एक सिंथेटिक फाइबर है। यह हमें नेचुरली पेड़ पौधों से नहीं मिलता, इसे केमिकल से बनाया जाता है। मम्मी, क्या आपकी साड़ी भी सिंथेटिक फाइबर से बनी है? नहीं पूछो, यह सिल्क से बनी है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। हाँ मम्मी, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमें सिल्क वॉर्म के कोकून से ही सिल्क मिलता है। हाँ पूछो, क्या तुम जानते हो कि सिल्क वॉर्म सिल्क खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाते हैं? तो अगर हम सिल्क ले लेंगे तो क्या वो मर जाएगा? हाँ पूछो, एक पाउंड सिल्क बनाने के लिए 30,000 सिल्क वॉर्म्स को मारा जाता है। तो क्या इसलिए सिल्क इतना महंगा होता है? मम्मी, क्या हम आर्टिफिशियल सिल्क नहीं बना सकते? हाँ पूछो, पेड़ की छाल से लैब में आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है जिसे रेयॉन कहते हैं। क्या तुम यहाँ पर रखी एक रेयॉन की चीज़ बता सकते हो? मम्मी, यह कार्पेट रेयॉन का बना है। हाँ पूछो, इसे खास तौर पर कारपेट और बेडशीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मम्मी, क्या हमारे घर की बेडशीट्स भी रेयॉन से बनी है? नहीं पूछो, वो कॉटन की है। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जिसे फूलों से बनाया जाता है। मतलब सिल्क और कॉटन नेचुरल फाइबर है जबकि पॉलिएस्टर और रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है। मम्मी, मुझे और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानना है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सॉक्स नायलॉन की बनी है और नायलॉन पहला मैनमेड फाइबर है? मम्मी, हमारे घर में नायलॉन की रस्सी भी तो है। हाँ पूछो, नायलॉन एक बहुत मजबूत फाइबर है, इसलिए इससे हम रस्सी, बैग, सीट बेल्ट और टेंट्स बनाते हैं। आज मैंने बैग खुद सीखा, मैं जाकर पापा को बताता हूँ।